गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास थर्ड के ईवीएस सब्जेक्ट के चैप्टर सेकंड को पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए थे, लेसन एक्सप्लेनेशन भी हमने देख लिया था। उसके बाद हमारा सेकंड लेसन आता है जो कि सीजन से रिलेटेड है। जो हमारे सीजन आते हैं, जो ऋतुएं आती है, कौन सी होती है, मेनली हमें पता ही है, एक तो ग्रीष्म ऋतु है, एक शरद ऋतु है और एक वर्षा ऋतु है, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं समर, विंटर एंड रेनी। तो इन सीजन्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि कौन से सीजन को हम किस तरह से पहचान सकते हैं, कौन से सीजन में किस तरह का मौसम रहता है, किस तरह का वेदर रहता है, या उस टाइम में क्या क्या चीजें यूज की जाती है, इस बारे में आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर अराउंड अस, इट्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे कि हमारे वातावरण की जो स्थिति है वो चेंज होती रहती है, और कैसे चेंज होती है, समय के अनुसार मौसम बदलता रहता है कि किस समय कौन सा मौसम चेंज हो जाए, ये वातावरण पर निर्भर करता है। समटाइम्स इट इज हॉट, कभी कभी मौसम हमारा गर्म रहता है, समटाइम्स रेनी, कभी बारिश होती है, एंड समटाइम्स कोल्ड, और कभी क्या होता है, सर्दी होती है। तो व्हेन द वेदर रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड सीजन। तो क्या होता है, जब वेदर क्या लगभग ज्यादा थोड़े लंबे समय तक अगर कोई सा मौसम सेम रहता है, जैसे कि ज्यादा समय तक गर्मी हुई, जैसे मंथ टू मंथ, तो उसको हम क्या कहेंगे, फिर वेदर कहते हैं। तो लिखते हैं थोड़ा, वेदर इज द, इसकी वेदर की डेफिनेशन भी लिखते हैं। वेदर इज द कंडीशन ऑफ द condition of the atmosphere around us, it changes from time to time. Most parts of India have four seasons.
parts of India have four seasons. देखिए कौन से सीजन होता है, अगर हम वर्ष की शुरुआत में देखें तो सबसे फर्स्ट में हमारा सीजन आता है स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन। फिर आता है हमारा समर सीजन, फिर आता है रेनी सीजन, और फिर हमारा आता है लास्ट में विंटर सीजन। एक ऑटमन सीजन और होता है लेकिन वो आपके इसमें नहीं बताया गया है, विंटर सीजन। ठीक है, मैंने अपनी बुक में फोर सीजन दिए गए, कौन से स्प्रिंग समर रेनी एंड विंटर। दीज सीजंस एंड वेदर अफेक्टेड द काइंड ऑफ क्लॉथ्स वी वियर, फूड वी ईट एंड वेयर वी लिव। मतलब ये सीजन से वो हमारी लाइफ शैली को प्रभावित करते हैं, किस तरह से कि कपड़े हम जो पहनते हैं उनमें चेंजेस होता है मौसम के अकॉर्डिंग, जो खाना हम खाते हैं उनमें चेंजेस होता है कि कौन से मौसम में हम मेनली कौन सा भोजन करते हैं, या फिर जिस तरह से हम अपनी लाइफ जीते हैं उस लाइफ जीने के तरीके में थोड़ा चेंज होता है। तो स्प्रिंग सीजन कहते हैं हम बसंत ऋतु, समर है ग्रीष्म ऋतु क्योंकि गर्मी का टाइम होता है। ठीक है, फिर हमारा आता है रेनी में वर्षा ऋतु और लास्ट में हमारा आता है शीत ऋतु जो सर्दी का टाइम होता है। शीत ऋतु, ठीक है, ये हमारी चार मेन ऋतुएं हैं, फोर मेन सीजन्स है। तो हम एक एक करके अभी सीजन का डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, चारों सीजन्स के नाम हमने देख लिए कि कौन से होते हैं चारों सीजन। अब हम पढ़ेंगे स्प्रिंग सीजन के बारे में कि स्प्रिंग सीजन में मौसम कैसा रहता है, या फिर वातावरण या प्रकृति नेचर हमारा किस तरह का दिखाई देता है। तो स्प्रिंग कम्स इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी एंड मार्च, कौन से मंथ का टाइम होता है इसमें, फेब्रुअरी टू मार्च। मतलब फरवरी और मार्च का जो महीना होता है वो हमारा कौन से ऋतु का महीना होता है, वसंत ऋतु का महीना होता है। उस टाइम को हम स्प्रिंग सीजन के नाम से जानते हैं। ट्रीज ग्रो न्यू लीव्स एंड फार्मर्स प्लांट न्यू क्रॉप, इस टाइम में जो फार्मर्स होते हैं वो न्यू क्रॉप मतलब नई फसल उगाते हैं, नई फसल उगाते हैं फार्मर्स, नई फसल लगाते हैं, जो पेड़ होते हैं वो बढ़ते हैं। एनिमल्स एंड बर्ड्स, बर्ड्स कम आउट ऑफ द प्लेस वेयर दे स्लीपिंग ड्यूरिंग विंटर। मतलब विंटर में जो पशु पक्षी क्या होते हैं अपने बिलों में और घोंसलों में घुस जाते हैं, वो जब स्प्रिंग सीजन की स्टार्टिंग होती है तब वो अपने बिलों से अपने घरों से अपने घोंसलों से बाहर निकलने लगते हैं। इन स्प्रिंग डेज आर लॉन्ग एज द नाइट, स्प्रिंग सीजन के अंदर क्या होता है, इन स्प्रिंग डेज आर लॉन्ग डेज आर एज लॉन्ग एज द नाइट। ठीक है, इसमें क्या होता है नाइट से दिन थोड़े बड़े होते जाते हैं। तो फरवरी टू मार्च के महीने में हमारा स्प्रिंग सीजन होता है। इस टाइम पे पेड़ ज्यादा हरे भरे होने लगते हैं, फ्लावर्स खिलने लगते हैं, जो पशु पक्षी जो अपने बिलों में घोंसलों में घुसे होते हैं सर्दी की ऋतु के अंदर, वो अपने बिलों से या फिर घोंसलों से बाहर निकलने लगते हैं। तो स्प्रिंग सीजन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब सेकंड सीजन जो है, दूसरी ऋतु जो हमारी आती है वो आप बताइए कौन सी आती है। हमने अभी देखी थी चार ऋतु में, तो हमने सेकंड नंबर पे जो सीजन लिखा था वो कौन सा था, नंबर टू पे समर सीजन, समर सीजन। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु या फिर गर्मी का जो मौसम होता है हमारी लैंग्वेज में उसे गर्मी का मौसम कहते हैं, इस ग्रीष्म ऋतु। इसके बारे में पढ़ते हैं। समर मतलब ग्रीष्म ऋतु, नाम से पता चल रहा है कि
के उन मंथों को हम ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत रहते हैं। इन समर द वेदर इज हॉट, इस टाइम का वेदर कैसा होता है? इस टाइम का वेदर जो होता है वो क्या होता है? बहुत गर्म होता है, गर्मी होती है बहुत ज्यादा। और अप्रैल में एंड जून अप्रैल में एंड जून आर समर मंथ्स, समर मंथ्स मतलब मई अप्रैल मई और जून के महीने जो होते हैं उनमें ज्यादा गर्मी का टाइम रहता है। ड्यूरिंग दीज हॉट ड्राई डेज वी वियर कॉटन क्लॉथ, इस टाइम में हम सबसे ज्यादा कौन से कपड़ों का यूज करते हैं? जो सूती कपड़े होते हैं कॉटन क्लॉथ, कॉटन क्लोथ का यूज इस टाइम पे ज्यादा किया जाता है। लोग कॉटन के कपड़े पहनने ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि गर्मी की वजह से जो पसीना है वो कॉटन का जो कपड़ा होता है वो ऑब्जर्व कर लेता है, तो लोगों को इस टाइम पे कॉटन के क्लोथ पहनना ज्यादा पसंद होता है। कॉटन कीप्स अस कूल बाय अब्सॉर्बिंग स्वेट एंड कीपिंग अवे द हीट, मतलब वही हमारी गर्मी को कॉटन क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, जिससे क्या होता है हमारे से जो हीट है गर्मी है वो थोड़ी दूर रहती है, हमें कम गर्मी लगती है। इन समर सीजन डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर, मतलब समर्स के अंदर क्या होता है डेज जो होते हैं दिन जो होते हैं वो ज्यादा बड़े होते हैं और नाइट डेज आर लॉन्गर लॉन्ग होते हैं बड़े होते हैं एंड नाइट आर शॉर्टर मतलब छोटी होती है, रात जो होती है इसमें छोटी होती है और दिन का जो समय होता है वो बड़ा होता है। इसमें सूर्योदय भी जल्दी हो जाता है और सूर्यास्त भी देर से होता है, इस वजह से दिन के समय की जो अवधि होती है वो बढ़ जाती है और रात की अवधि जो होती है वो कम हो जाती है। तो इसमें दिन लंबे होते हैं रातें छोटी होती है। वी यूज इलेक्ट्रिक फैंस एसी एंड कूलर टू की और बॉडी कूल एंड फील कंफर्टेबल, हम इस टाइम पे क्या करते हैं फैन कूलर और एंड एसी का यूज करते हैं। किस वजह से? किसके लिए? खुद को ठंडा रखने के लिए, खुद को आरामदायक बनाए रखने के लिए। हमें किसका यूज करना पड़ता है गर्मी को उससे बचने के लिए? फैन कूलर और एसी का यूज करना पड़ता है। वी ड्रिंक कोल्ड वाटर कोल्ड ड्रिंक एंड फ्रूट जूसेस, ज्यादा मेनली इस टाइम में क्या चीजें खाना पीना पसंद किया जाता है? कोल्ड वाटर ठंडा पानी पिया जाता है ज्यादा, कोल्ड ड्रिंक्स जो ठंडे पेय जो होते हैं वो ज्यादा यूज किए जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस आइसक्रीम्स। तो जो ठंडी चीजें होती है उनका इस्तेमाल हम गर्मी की ऋतु में ज्यादा करते हैं, क्यों? क्योंकि उस टाइम गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि हमें सिर्फ ठंडा खाना ही या पीना ही ज्यादा पसंद आता है। पीपल फ्रॉम प्लेस लाइक टू गो हिल स्टेशन टू एंजॉय कूल प्लेजर वेदर, लोग बाग जो होते हैं वो क्या करते हैं गर्मियों के मौसम में जो हिल स्टेशन होते हैं हमारे पहाड़ी इलाके और बर्फीले इलाके जो होते हैं वहां पर घूमने जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहां पर ठंडक मिलती है उनको, तो वो ऐसे ही वहां पर वेकेशन बनाना एंजॉय करते हैं, वहां पर उनको वेकेशन बनाना अच्छा लगता है। तो हमने इसमें समर सीजन में देखा था कि इसमें गर्मी बहुत ज्यादा होती है, मतलब समर सीजन में गर्माहट ज्यादा रहती है। अप्रैल में और जून के मंथ जो होते हैं वो हमारे गर्मी वाले मंथ होते हैं, इसमें लोगों को क्या कॉटन के कपड़े पहनना ज्यादा अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि कॉटन पसीने को ऑब्जर्व करता है, गर्माहट को कम करता है, थोड़ी ठंडक प्रदान करता है, इस वजह से इस टाइम पे लोगों को ठंडी चीजें खाना पीना बहुत ज्यादा पसंद होता है। और इन दिनों में दिन लंबे होते हैं रातें छोटी होती है और लोग अपनी इंजॉयमेंट के लिए जो हिल स्टेशन होते हैं वहां पर जाना पसंद करते हैं। तो हमने दो सीजन पढ़ लिए हैं, एक सीजन हमारा था स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन में हमने जो देखा, फिर बाद में हमने समर सीजन को पढ़ा और थर्ड सीजन हमारा आता है रेनी सीजन, थर्ड सीजन हमारा आता है रेनी सीजन।
दिन होते हैं उनमें थोड़ी ठंडक आती है और इस वजह से बारिश स्टार्ट होती है। जुलाई अगस्त एंड सितंबर आर द रेनी मंथ्स। तो मेनली कौन से मंथ्स होते हैं वर्षा ऋतु के? जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त एंड सितंबर। ठीक है, ये तीनों जो मंथ होते हैं वो हमारे रेनी सीजन के मंथ होते हैं। इन तीनों मंथ में मोस्टली ज्यादा बारिश होती है और हमें गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है। तो हमारे जो मेन मंथ कौन से हुए जिनमें बारिश आती है हमारे? जुलाई अगस्त और सितंबर। ये तीनों महीने जो होते हैं वो वर्षा ऋतु के महीने होते हैं। द रेनी मंथ एंड इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के अधिकतर हिस्सों में जो बारिश होती है वो इन तीन महीनों के अंदर ही होती है। फार्मर्स वेलकम रेन वेन इट फॉल्स एट द राइट टाइम एज इट गुड फॉर द क्रॉप्स। और जो किसान जो होते हैं वो बारिश का स्वागत करते हैं और अगर बारिश आती है तो उनकी जो फसल की पैदावार होती है वो भी बहुत अच्छी तरह से होती है। इसलिए बारिश का मौसम फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। द मानसून और द रेन कम्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। जो बारिश की जो शुरुआत होती है, जो मानसून जो आता है वो कौन से मंथ से स्टार्ट होता है? जुलाई महीने में। मतलब बारिश की स्टार्टिंग जो होती है हमारी वो जुलाई के महीने से होती है। जुलाई के महीने से हमारे बारिश स्टार्ट हो जाती है। प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो वेल एंड बिकम ग्रीन अगेन आफ्टर द हॉट समर। हॉट समर तो इस टाइम पे क्या होता है, जितने भी पेड़ पौधे जो होते हैं वो हरे भरे हो जाते हैं बारिश की वजह से, क्योंकि गर्मी के अंदर बारिश की कमी रहती है। इस वजह से पौधे इतने विकसित नहीं होते हैं। लेकिन जो हमारा रेनी सीजन होता है उसमें चारों तरफ क्या होती है, हरियाली हो जाती है। किसकी वजह से? वर्षा के पानी की वजह से। वी वियर रेनकोट्स एंड गम बूट्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्स फ्रॉम द रेन। हम खुद को बचाने के लिए किसका यूज करते हैं बारिश से? रेनकोट एंड गम बूट्स का यूज करते हैं हम खुद को बारिश से प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर है प्रोटेक्ट अवर सेल्स फ्रॉम द रेन। इन दिस सीजन वी वियर क्लॉथ्स द लाइट क्लॉथ्स दैट आर लाइट सो दैट दे ड्राई इजीली। हम इस टाइम पे हल्के कपड़े पहनना पसंद करते हैं ताकि वो आसानी से सूख जाए, क्योंकि बारिश के मौसम में नमी वातावरण में ज्यादा रहती है। इस वजह से कपड़े देर में सूखते हैं। तो इसलिए लोग जो होते हैं इस टाइम पे लाइट कपड़े पहनना पसंद करते हैं ताकि वो जो कपड़े हैं वो आसानी से सूख सके। तो हमने तीन सीजन के लिए, फर्स्ट में हमने पढ़ा था स्प्रिंग सीजन, फिर सेकंड में हमने पढ़ा था समर सीजन और थर्ड पार्ट में हमने पढ़ा रेनी सीजन। हमारा लास्ट सीजन अब आता है नंबर फोर पे है, वो है विंटर सीजन। जो सर्दी का जो समय होता है वो हमारा विंटर होता है, विंटर सीजन। इसे हम हिंदी में कहते हैं शीत ऋतु। जो सर्दी का जो समय होता है जब ठंड बढ़ जाती है तब वो जो मौसम होता है हमारा वो विंटर सीजन होता है। अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर एंड जनवरी, ये जो चार महीने होते हैं वो हमारे सर्दी के महीने होते हैं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जनवरी, ये जो चारों महीने होते हैं हमारे वो हमारे किसके महीने होते हैं? सर्दी का जो समय होता है, विंटर का जो समय होता है वो हमारे चार महीनों तक रहता है। इन दिस सीजन नाइट्स आर लॉन्ग एंड डेज आर शॉर्ट। अब इसमें समर सीजन के जस्ट ऑपोजिट होता है, इसमें क्या होता है, नाइट्स जो होती है, रातें जो होती है वो बड़ी होने लगती है। नाइट्स आर लॉन्ग एंड डेज आर शॉर्ट। इसमें जो रातें होती है वो बड़ी होने लगती है और दिन जो है वो कम छोटे होने लगते हैं। जबकि इसके अपोजिट हमारे समर सीजन में क्या होता है, उसमें जो दिन बड़े रहते हैं और रातें छोटी रहती है। इसमें सूर्यास्त देर से होता है, सूर्यास्त जल्दी हो जाता है और सूर्योदय देर से होता है। तो इसमें दिन छोटे होने लगते हैं और रातें बड़ी होने लगती है। ड्यूरिंग विंटर पीपल लाइक टू हैव हॉट ड्रिंक्स लाइक टी कॉफी एट
है, मतलब इस टाइम पे लोगों को ज्यादा गर्म पेय पसंद आते हैं जैसे कि टी, कॉफी। क्यों? क्योंकि सर्दी होती है, इस वजह से इस टाइम पे लोगों को गर्म चीजें खाना पीना ज्यादा पसंद होता है। जबकि इसके अपोजिट हमने समर सीजन में क्या देखा था कि उस टाइम पे लोगों को ठंडी चीजें खाना ज्यादा पसंद होता है, जिसमें वो कोल्ड ड्रिंक्स, जूस, आइसक्रीम इनका यूज ज्यादा करते हैं। और विंटर्स के अंदर क्या होता है, लोग गर्म पेय पदार्थों का या गर्म खाने पीने की चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि चाय, कॉफी या और भी जो गर्म चीजें हो, सूप्स है, इनका यूज ज्यादा करते हैं। वी वियर वूलन क्लॉथ। इस टाइम पे आप ज्यादा सर्दी होने की वजह से लोग क्या करते हैं, ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से उनकी बॉडी की हीट बनी रहती है, गर्माहट बनी रहती है। तो ज्यादा यूज किए जाने वाले क्लॉथ कौन से होते हैं इस टाइम पे? वूलन क्लॉथ, जो ऊन से बने हुए जो कपड़े होते हैं लोग उनका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। पीपल वियर जैकेट्स, स्वेटर्स एंड शॉल्स इन विंटर। इनसे ऊन से बने हुए जो जैकेट्स होते हैं, स्वेटर्स एंड शॉल्स, मतलब खुद को गर्मी गर्माहट बनाए रखने के लिए, अपने अंदर गर्मी बनाए रखने के लिए हम जो है इस टाइम पे वूलन क्लॉथ का यूज करते हैं। पीपल बर्न फायर, यूज हीटर्स टू कीप देमसेल्व्स वार्म। तो जो लकड़ी को जलाते हैं अपने आसपास बैठकर, उसको हम बर्न फायर कहते हैं। तो बर्न फायर का यूज करते हैं गर्माहट बनाने के लिए, या फिर हीटर्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ये भी, तो हीटर्स का यूज करते हैं किसके लिए, गर्माहट बनाए रखने के लिए। तो हमने चारों सीजन्स पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था स्प्रिंग सीजन के बारे में, वो स्टार्टिंग के मंथ में आते हैं, फेब्रुअरी और मार्च के महीने में आते हैं। उस टाइम पे ट्रीज ग्रो करते हैं, नई फसल उगाई जाती है। और जो विंटर्स के अंदर जो पक्षी और पशु जो होते हैं अपने बिलों में घुस जाते हैं, उनका वो टाइम होता है अपने बिलों से बाहर निकलने का। उसके बाद हमने पढ़ा था समर सीजन के बारे में। समर सीजन जो हमारा होता है गर्मी का मौसम होता है, अप्रैल में और जून का जो टाइम होता है वो हमारा समर सीजन का टाइम होता है। उसमें हमें कॉटन क्लॉथ पहनना ज्यादा पसंद होता है और जो ठंडी चीजें खाना पीना हमें ज्यादा अच्छा लगता है। और उस समय पे दिन क्या होते हैं, छोटे बड़े होते हैं और रातें हमारी छोटी होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था बारिश के मौसम के बारे में, रेनी सीजन के बारे में। ये जो हमारा समय होता है वो जुलाई, अगस्त और सितंबर का समय होता है। इस टाइम पे चारों तरफ हरियाली हो जाती है, बारिश आने लगती है, गर्मी कम होने लगती है थोड़ी, और हम रेनकोट और गम बूट्स का यूज करते हैं। नई फसल इसमें अच्छी हरियाली से हरियाली हो जाती है और नई फसलें इसमें उगाई जाती है। फिर लास्ट सीजन हमने पढ़ा था विंटर सीजन, ये हमारा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 4 मंथ का टाइम होता है। इसमें ठंडी ज्यादा होती है, सर्दी ज्यादा होती है, लोग वूलन क्लॉथ का यूज करते हैं और जो गर्म पेय पदार्थों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं ताकि गर्माहट बनी रहे, और हीटर्स और बर्न फायर का यूज करते हैं ताकि वो खुद को गर्म बनाए रख सके। तो हमारे लेसन में जो 4 सीजन मेनली हमें दिए हुए हैं वो चारों सीजन हमने पढ़ लिए हैं। अब हम इसकी जो बुक एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए और मेरे सामने एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। हमारा जो फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वो हम लास्ट में करेंगे, पहले हम अदर एक्टिविटीज है वो करेंगे। तो कंप्लीट दिस टेबल, एक क्वेश्चन आपके दिया हुआ है वो डाउनलोड कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कंप्लीट दिस टेबल। तो सबसे पहले हमें लिखना है सीजंस, फिर हमें लिखना है क्लॉथ, फिर थर्ड टाइम पे हमें लिखना है मंथ। तो हमें ये टेबल जो है वो कंप्लीट करते हुए जाना है। सबसे पहले वन मंथ ब्रेक में वन मंथ दिया हुआ है, इसमें 2 ब्रेक जुड़े हुए हैं और यहाँ पर हमें लिखा हुआ है जुलाई। इस हिंट के अकॉर्डिंग हमें ये दोनों ब्लैंक्स फिल करने हैं। सेकंड में हमारा ये ब्लैंक छूटा है, यहाँ पर लिखा हुआ है वूलन, और ये वाला ब्लैंक भी छूटा हुआ है। फिर थर्ड में हमारा ये ब्लैंक और यहाँ पर हमें लिखा हुआ है अप्रैल। तो हम
प्रोसीजर्स अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं तो ये आप आसानी से कर सकते हो। मैंने प्रोसीजर्स जो समझाए वो आसानी से अच्छे से आपने समझ लिए तो आप फटाफट से बता सकते हो। जुलाई का मंथ आ गया, जुलाई का मंथ आते हमारे माइंड में आ जाएगा कि कौन सा महीना है। जुलाई से क्या स्टार्ट हो जाती है? बारिश। तो सीजन्स में क्या आ जाएगा? रेनी, रेनी सीजन। ठीक है, तो सीजन कौन सा हो गया? रेनी। रेनी सीजन में हम क्या यूज करते हैं? रेनकोट। तो स्लोव्स के अंदर हम क्या लिखते हैं? रेनकोट। और मंथ हमारा पहले लिखा हुआ है, कौन सा मंथ है? जुलाई। ठीक है, फिर नंबर टू में हमारा है वूलन दिया हुआ है। वूलन देखते ही हमारे माइंड में आ जाएगा, हमें पता चल रहा है कि वूलन हम कब यूज करते हैं? विंटर सीजन में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? विंटर, विंटर सीजन। विंटर सीजन में हम किसका यूज करते हैं? वूलन क्लॉथ का यूज करते हैं। तो क्लॉथ में हमारा वूलन ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर हमें यहाँ पर इसका मंथ लिखना है, तो इसकी स्टार्टिंग मंथ को हम लिखेंगे। इसका स्टार्टिंग मंथ कौन सा है? हमें पता है अक्टूबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इसके फोर मंथ होते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अक्टूबर। फिर बाद में हमें अप्रैल दिया हुआ है। अप्रैल कौन से मंथ को स्टार्ट करता है? हमने पढ़ा था, कौन सा मंथ था वो? समर, सॉरी, कौन सा सीजन था? समर सीजन। गर्मी का जो मौसम होता है उसकी शुरुआत होती है तो समर सीजन। समर सीजन में हम मोस्टली कौन से कपड़े यूज करते हैं? कॉटन क्लॉथ। कॉटन क्लॉथ जो होते हैं उनका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। तो आपको इसी तरह से ये टेबल कंप्लीट करनी है। इसमें एक एक हिंट आपको दिया है, उसी हिंट को समझते हुए आपको ये कंप्लीट करना है। अगर आपने लेसन अच्छे से समझ लिया है तो आपको ये करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर बाद में हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो आता है, मैच द कॉलम्स। मैच द कॉलम्स लिखिए। मैच द कॉलम्स हमें मैच करना है। एक ऑप्शन साइड में दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमें सामने वाले ऑप्शन को उससे मैच करना होता है। तो लगे फर्स्ट में देखिए आप, इसमें लिखा हुआ हमारा समर। नंबर टू पे हमारा लिखा हुआ है विंटर। और नंबर थ्री पे हमें दिया हुआ है रेन। तो ये जो तीनों सीजन्स है उनके बारे में एक एक थिंग हमें हमारे सामने वाले ऑप्शन में बताई गई है। तो सबसे फर्स्ट में हमारा लिखा हुआ है गम बूट्स। तो गम बूट्स का आंसर हम इसके सामने लिखेंगे, रेनी के सामने। रेनी सीजन में इनका यूज होता है। ठीक है, फिर बाद में सेकंड ऑप्शन हमारा दिया है लॉन्गर डेज। जो बड़े दिन होते हैं वो किसमें होते हैं हमारे? समर में। लॉन्गर डेज, ठीक है। तो जो हमारा जो दिनों का जो समय लंबा होता है वो समर के अंदर होता है। अब हमारा जो ऑप्शन बचा है पीपल वियर वूलन क्लॉथ्स, तो ये हम इसमें लिखेंगे वूलन क्लॉथ्स। मतलब लोग जो बाहर के होते हैं किसका यूज करते हैं? ऊनी कपड़ों का। किसमें करते हैं? विंटर में। तो तीनों के अकॉर्डिंग हमने इसमें बता दिया है। समर का जो मेच था हमारा उसमें दिन लंबे होते हैं, विंटर के अंदर वूलन कपड़ों का यूज किया जाता है, और रेनी सीजन के अंदर गम बूट्स का यूज किया जाता है। तो मेच द कॉलम कंप्लीट हुआ है। बाकी की जो बच्चे भी दो एक्टिविटीज है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके साथ हम क्वेश्चन आंसर भी सोल्व करेंगे। लेसन एक्सप्लेनेशन मैंने आपको